वेस्टइंडीज ने साउथ अफ्रीका को रौंदा, सीरीज में बनाई अजय बढ़त। वेस्टइंडीज की टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए दूसरे T20 मुकाबले को अपने नाम कर लिया है। इस मैच को उन्होंने 16 रनों से अपने नाम कर लिया। इस मुकाबले में मिली जीत के साथ ही उन्होंने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त हासिल कर ली। इस मुकाबले में वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया था। इसके अलावा रोस्टन चेस्ट ने दमदार ऑलराउंडर खेल दिखाया, जिसके कारण उनकी टीम ये मुकाबला अपने नाम कर सकी। उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला जमैका स्थित किंगस्टन के सबीना पार्क में खेला गया। इस मैच में वेस्टइंडीज ने साउथ अफ्रीका को 16 रनों से हरा दिया गया है। कप्तान ब्रेंडन किंग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उनकी टीम ने काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर बड़ा स्कोर खड़ा किया। वेस्टइंडीज ने इस मुकाबले में 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 207 रन बनाए थे। इस दौरान टीम के कप्तान ब्रेंडन किंग ने 22 गेंदों पर 36 रनों की पारी खेली। वहीं मिडिल ऑर्डर ने भी इस मुकाबले में दमदार प्रदर्शन किया। किंग के विकेट के बाद कैलमेर्स और चेस मैदान पर आ गए और उनकी साझेदारी ने साउथ अफ्रीका की कप्तान राशिवान डेर दुसेन को परेशानी में डालना शुरू कर दिया। मैच ने साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों का सामना किया और साबित किया कि किंग का पहले बल्लेबाजी करने का फैसला सही था। उन्होंने सिर्फ 16 गेंदों पर 32 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 3 छक्के शामिल थे। लेकिन लेग स्पिनर नकाब योमजी पीटर के गेंद पर डीप स्कोर लेग फेंस के ऊपर से गेंद को आगे बढ़ाने की कोशिश में वो आउट हो गए। मेयर्स का विकेट चेस को ज़्यादा परेशान नहीं कर सका, क्योंकि उन्होंने अपनी पारी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया और दूसरे छोर पर खड़े बल्लेबाजों को लंबे शॉट लगाने में मदद की। इस दौरान रोमारी सोपेड ने 13 गेंदों पर 26 रन और आंद्रे फ्लेचर ने 18 गेंदों पर 29 रन बनाए। चेज 38 गेंदों पर 7 चौके और 2 छक्कों की मदद से 67 रन बनाकर नाबाद रहे।